शास्त्री नगर सुपेला स्थित बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था में लाए गए एक बुजुर्ग मरीज को स्वस्थ कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। उपचार उपरांत बुजुर्ग को शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। शांति नगर निवासी 71 वर्षीय बी के चौहान को बीएम शाह हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने नया जीवन प्रदान किया है। सीने में तेज दर्द और पसीना होने की वजह से बी के चौहान को बीएम शाह हॉस्पिटल में लाया गया था। ईसीजी जांच के उपरांत डॉक्टरों ने पाया कि मरीज को हार्ट अटैक आया हुआ है। मरीज का रक्तचाप और दिल की धड़कन भी कम थी, जिसे कार्डियोजेनिक शॉक कहा जाता है। रिश्तेदारों से चर्चा करने के उपरांत मरीज की एंजियोप्लास्टी की गई। डॉक्टर एस के सक्सेना एवं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी ने एंजियोप्लास्टी में पाया कि दाएं और बाएं ओर की धमनियां बंद थीं। मरीज की दिल की धड़कन भी कम होने से टेम्परेरी पेसमेकर डालकर धड़कनें बढ़ाई गईं। मरीज के इलाज की पूरी प्रक्रिया की जानकारी डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी द्वारा दी गई। मैं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी एसएमसी बीएम शाह कार्डियक सेंटर से। डॉक्टर सक्सेना सर हमारे साथ हैं, हमारी कार्डियक टीम। 4 तारीख को हमको इमरजेंसी में कॉल आया कि मरीज जो करीब 9:30 बजे आकर यहाँ पर एडमिट हुए और इनके करीब 75 वर्षीय जो पेशेंट हैं, इनके सीने के बीचों बीच दर्द हुआ था। इमरजेंसी में आए, हमने इनका ईसीजी किया तो ईसीजी में हमने पाया कि इनको मेजर हार्ट अटैक है। इनके ब्लड प्रेशर भी कम था, दिल की धड़कन भी कम थी। तो ब्लड प्रेशर कम था, धड़कन कम थी, इनको मेजर हार्ट अटैक था। तो ऐसे मरीज का इमरजेंसी में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है ना, इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी होता है कि जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो मरीज जान बचाने के लिए ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो मरीज के रिश्तेदारों से बात करके हमने इन मरीज को इमरजेंसी में हमने एंजियोप्लास्टी के लिए कैथलैब में लिया, एंजियोग्राफी कक्ष में। और एंजियोग्राफी के टाइम पे ब्लड प्रेशर कम था, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ वगैरह दी गई इनको। जब हमने एंजियोग्राफी किया सरप्राइजिंगली तो राइट साइड की आर्टरी एकदम छोटी थी, लेफ्ट साइड की आर्टरी दोनों बड़ी थी इनकी। तो जैसे ही हमने एंजियोग्राफी किया तो हमने देखा कि दोनों आर्टरी इनकी, जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एलईडी आर्टरी है जो दोनों हार्ट को सप्लाई कर रही है, आधा आधा हार्ट, वो दोनों नसें 100% बंद थी। और एंजियोग्राफी के टाइम मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ और हमको मरीज को रिवाइव करना पड़ा, कार्डियक मसाज देना पड़ा, कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज देना पड़ा। और उसके बाद मरीज रिवाइव हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की 3 से 4 दवाइयाँ मरीज को दी गई और खून पतला करने की दवाइयाँ भी दी गई। धड़कन जो कम थी उसके कारण हमने मरीज को टेम्पररी पेसमेकर भी डाला। उसके बाद मरीज को वेंटिलेटर पर डाला गया। उसके बाद मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में हमने रिश्तेदार को बताया। ऐसे मरीज बहुत ही कम होते हैं जिनकी दोनों नस एक साथ बंद हो और डबल हार्ट अटैक उनको आए। और क्योंकि राइट साइड का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था और लाखों में एक मरीज ही ऐसा होता है जिनको ऐसा डबल हार्ट अटैक आता है, फिर भी हमने होप नहीं छोड़ी ऐसे कंडीशन में। और हमने ऐसे मरीज का वेंटिलेटर पर लेकर हमने एंजियोप्लास्टी किया, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स का हमने आर्टरी ओपन की और लेफ्ट एलईडी का भी आर्टरी हमने ओपन किया। जैसे ही हमने नस को खोला उसके बाद मरीज का रेस्पॉन्स आना शुरू हुआ, ब्लड प्रेशर उसका धीरे धीरे बढ़ा। ऐसे कंडीशन को कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं और कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाली सिचुएशन। मरीज को हार्ट फेलियर भी हुआ जिसके कारण कि उसका लंग्स में स्वेलिंग आ गया। और बाद में मरीज को जो ब्लड प्रेशर कम था उसके कारण मरीज किडनी डैमेज में भी गया, तो आईसीयू में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था मरीज 2 से 3 दिन तक। तो ऐसे मरीज को वेंटिलेटर से बाहर लाया गया और ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हमारी पूरी आईसीयू की टीम और कार्डियक टीम ने ऐसे मरीज को मैनेज किया। और उसके बाद 3 दिन के बाद मरीज को वेंटिलेटर से निकाला गया और धीरे धीरे उसका किडनी का जो डैमेज हुआ वो भी रिकवर हुआ है। और मरीज अब 2 दिन से वार्ड में है और अब डिस्चार्ज करने लायक कंडीशन में है। तो मेरा आपसे सबसे यही मैसेज है कि कार्डियक अगर सिम्टम आपको होते हैं तो इमरजेंसी में आप कार्डियक हॉस्पिटल में जाइए जहां पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। और यहां पर एसएमसी बीएम शाह हॉस्पिटल में 24 घंटे हम इमरजेंसी में आप लोगों की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ताकि आपकी जान बच सके ये फैसिलिटी देने के लिए हम हाजिर हैं। और ये ट्रीटमेंट करके आपकी जान बच सकती है, ये मेरा मैसेज इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और टाइम इज़ मसल, जो टाइम है वो मसल है, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपके सीने के बीचों बीच जकड़न महसूस हो रही है, पसीना आ रहा है, तो तुरंत आप अस्पताल जाइए और इलाज की जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसको आप ज़रूर से उसको अवेल करिए। और नेवर लूज अ होप। आप सोच सकते हैं कि मरीज कार्डियक अरेस्ट में है, डबल हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट में चला गया,
बट हमने लूज नहीं किया होप को, हमने बोला कि हम उसकी नस खोलेंगे और हम ईश्वर का साथ लेंगे साथ में, कि हम तो कर ही रहे मेहनत और ईश्वर का साथ लेके हम नस खोल कर हम उम्मीद करेंगे कि मरीज की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा और मरीज जरूर बचेगा, और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी तरफ हजार कदम बढ़ाता है, तो ईश्वर ने हमारा साथ दिया और मरीज आज आपके सामने जिंदा खड़ा है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए डिस्चार्ज हो रहे मरीज ने डॉक्टर स्टाफ का आभार जताकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बुधवार में भर्ती गए थे, अभी ठीक लगा रहा, बुधवार को भर्ती गए। कैसे कैसे डॉक्टर लोग आपके सात घंटे बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं, बुधवार को जा रहे हैं बाकी ठीक है। कैसे डॉक्टर लोग आपने मेहनत की? अच्छा अच्छा रहा, डॉक्टरों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, गौरतलब है कि बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा अत्यंत गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया जा चुका है, जिससे अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।